हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारे बीच ऋषि कपूर और इरफान खान सर दोनों नहीं रहे। इसी बीच एक टिकटॉक पर वीडियो अपलोड किया गया है जिसमें बता रहा है कि हमारे बीच मिस्टर रियाज नहीं रहे। तो सबसे पहले वीडियो आप देख भी सकते और इतनी तेज़ी से वायरल हो रहा है, सोच भी नहीं सकते। इस वीडियो पे 15 मिलियंस व्यूज क्रॉस कर चुका है और यहाँ पे 8.5 लाख लाइक्स आ चुका है। और यहाँ पे कमेंट भी देखा जाए तो 12-13 हज़ार के आसपास कमेंट है और 11 से 12 हज़ार शेयर भी हो चुका है। यानी कि फेक वीडियो टिकटॉक पर इतना तेज़ी से वायरल हो रहा है, सोच भी नहीं सकते। तो आज हम इसी वीडियो के बारे में बात करने वाला हूँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो हम बात करने वाले हैं टिकटॉक स्टार मिस्टर रियाज के बारे में। जैसा कि आप वीडियो देख सकते हैं, इस वीडियो पे 15 मिलियंस व्यूज, यानी कि फेक वीडियो इतनी तेज़ी से वायरल होता है। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, टिकटॉक पे जो ऐसे अपलोड किया जाता है, जो फेक वीडियो होता है, वो लोग सिर्फ लाइक्स एंड व्यूज के लिए इस तरह के वीडियो अपलोड करते हैं। और टिकटॉक पे बहुत सारे ऐसे फेक अकाउंट है जिस लोगों को गुमराह करता है, गलत यानी कि फेक न्यूज़ अपने टिकटॉक पे अपलोड करता है और सिर्फ लाइक्स एंड व्यूज के लिए। जो भी गलती इस प्रकार के करता है, उन लोगों को कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर उसका टिकटॉक वीडियो वायरल हो जाता है तो कुछ 1% के भी फायदा नहीं होने वाला है। आज ना कल आपको उस वीडियो को आपको डिलीट भी करना पड़ सकता है, और डिलीट यदि करते हैं तो आपके टिकटॉक के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और यदि आप किसी भी टिकटॉक यूजर का वीडियो डाउनलोड करने के बाद अपने टिकटॉक अकाउंट पे अपलोड करते हैं तो आपका टिकटॉक अकाउंट यहाँ पे फ्रीज भी हो सकता है। ये सब गलती मत करो। यदि टिकटॉक पे यदि आप फेमस होना चाहते हैं, आप यहाँ पे मेहनत कर सकते हैं, आपको खुद का कंटेंट बना सकते हैं। अगर मेहनत करते हैं तो आज ना कल आप लोगों का भी वीडियो वायरल होगा। ऐसा नहीं है कि वायरल नहीं होगा, लेकिन गलत वे में आप लोग जा रहे हैं और गलत तरीके से आप लोग लाइक चेंज व्यूज एकत्र करने की कोशिश कर रहा है। किसी के बारे में हम इस तरह अफवाह फैला रहे हैं, अगर मान लो आपके बारे में कोई अगर गलत अफवाह फैलाएगा तो आपको कैसा लगेगा? तो प्लीज़ जो भी भाई ऐसा है तो प्लीज़ ये सब करना बंद कर दो। रियाज को अभी कुछ भी नहीं हुआ है, जो भी वीडियो इस तरह से फेक वीडियो अपलोड किया गया है, 1 से 2 घंटा पहले ही रियाज ने भी अपने टिकटॉक अकाउंट पे एक वीडियो अपलोड किया है। तो इससे पता चल जाता है कि रियाज को अभी कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन भाई इस तरह के फेक वीडियो बना रहे हो तो प्लीज़ बनाना बंद करो। और यदि आप लोगों के सामने कुछ इस तरह के वीडियो देखने को मिलता है, आपको लगता है कि ये फेक न्यूज़ है या फेक वीडियो अपलोड किया गया है, तो लाइक्स एंड कमेंट नहीं करना है। यदि लाइक्स एंड कमेंट करते हैं तो इस वीडियो वायरल होने के चांसेस और बढ़ जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं शेयर भी वीडियो काफ़ी तेज़ी से हुआ है, यानी कि 10,000+ इस वीडियो को शेयर किया गया है। यदि आप इस तरह से करेंगे तो इस ये वीडियो पे लाइक्स एंड व्यूज और काफ़ी तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को करना क्या है? नहीं, लाइक्स एंड कमेंट नहीं करना है। आप चाहे तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, एक ऑप्शन मिल जाता है रिपोर्ट का, सिंपल वहाँ पे रिपोर्ट आप कर सकते हैं। रिपोर्ट करने से क्या होगा, यदि आप 50 से 60 व्यक्ति फटाफट अगर रिपोर्ट करते हैं, इस वीडियो को टिकटॉक टीम जल्द से जल्द रिमूव करने की कोशिश करेगा। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आता है लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल सलन चैनल को सब्सक्राइब करना। यदि आपको किसी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए और इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं। यदि